CR and you are watching Work at Work Job Helpful. Friends, आपके लिए एक और अच्छी जॉब्स लेकर मैं हाजिर हूँ, हेल्पर जॉब्स। तो गाइस, जॉब्स की अपडेट देने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को टच कर लें ताकि आपको नई नई जॉब की अपडेट्स सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो पसंद आने पर लाइक करना कभी ना भूले और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर जरूर कर देता ताकि उनको कुछ हेल्प मिल सके काम के रिगार्डिंग एक जॉब के रिलेशन में। तो गाइस, जॉब्स होने वाली है हेल्पर की। एक्चुअल ये जॉब्स देने से पहले एक छोटी सी बात की, फ्रेंड्स होता ये है कि फ्री का जॉब लेके आइए सर, जिसमें खाना फ्री हो, रूम फ्री हो, जॉब लेके आइए करके काफ़ी कैंडिडेट्स का हम लोगों के पास काफ़ी टाइम से कॉल आ रहा था। तो हम लोगों का सर्चिंग वही चल रहा था। लास्ट एक तीन चार दिन पहले जो है, एक लास्ट हफ्ते जो हम लोगों को केरला की जो कपड़ा फैक्ट्री की आई थी, जिसमें रूम खाना पीना फ्री था, अच्छा सैलरी भी था उसमें, अच्छा टाइमिंग था, रोटी वगैरह की भी फैसिलिटी थी। अब होता ये कि सुबह से शाम तक जो पता नहीं कितने कैंडिडेट्स का कॉल आता है, हम लोगों की टीम ने एक अलग फ़ोन हैंडल करने के लिए एक आदमी बिठा रखा है उसके लिए, जो सिर्फ और सिर्फ फ़ोन का रिप्लाई देता है, कॉल आता है तो उसका रिप्लाई देता है। तो होता ये कि सुबह से लगाकर शाम तक एक पता नहीं 100-200 के ऊपर जो है कॉल्स आते हैं, हम लोग जो है उसको लिख के रखते हैं ना, फ़ोन आते हैं, कॉल आते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी आता है, सर एड्रेस भेजिए हम जाएंगे, सर एड्रेस भेजिए जाएंगे, आधार कार्ड भेजता है उनका, हम लोग एड्रेस भेजते हैं, फिर जो है रिस्पॉन्स आता है एक बंदा दो बंदे का। ज्वाइन कितना होता है, 100 कैंडिडेट्स में से 5-10 आदमी जो है काम के लिए आते हैं, ज्वाइन होते हैं। वही बंदे वापस नेक्स्ट वीडियो को आता तो उसमें वही कमेंट्स करते हैं, सर कोई अच्छा जॉब है तो बताइए, हम आना चाहते हैं ये वो। तो गाइस, अगर आप काम का करने के लिए डिसाइड कर चुके हैं, अगर आपको काम करना ही है तो उस चीज को सीरियसली लीजिए, आप सीरियसली काम कीजिए, आना चाहते हैं तो आइए, नहीं तो फालतू में फोन कर करके हम लोगों को परेशान नहीं करें। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो बंदा जेन्युइन काम करना चाहता है, जो रियल में जिसको काम की जरूरत रहती है ना, वो आपके चक्कर में बेचारा पीछे छूट जाता है, उसको पीछे रह जाता है। आप कॉल करते हैं, आप में हम लोग बिजी हो जाते हैं, आप लोगों के हम लोग बिजी हो जाते हैं, पीछे जो है आपको फॉलोअप लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप 100 आदमी कॉल करेंगे तो 2-3 आदमी काम के लिए, 10 आदमी काम के लिए आता है, जो बाकी जो बचे 80 लोग हैं वो उनके चक्कर में, जो जेन्युइन काम चाहता है, जो रियल में जिसको काम की जरूरत है, वो जो बेचारे पीछे छूट जाते हैं। तो गाइस, अगर आपको रियल काम की जरूरत है, अगर आपको काम चाहिए और आपको काम की नीड्स है, आपको जरूरत है अपने जो है फैमिली के लिए, अपने लिए, कुछ पैसे के लिए, तो वही बंदा कॉल करे और वही बंदा मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजाने था, खामखा झूठ मूठ का अपना डॉक्यूमेंट्स मुझे नहीं भेजे, हम लोग उसका क्या करेंगे? क्योंकि हम लोग आगे वेरिफिकेशन लिए भेजते हैं, वेरिफिकेशन होता है, ओके आ जाता, ठीक है भैया वो जो उस बंदे को बुला लीजिए, लेकिन 3-4 दिन बाद पता चलता है कि वो फोन ही नहीं उठा रहा है, सर हम नेक्स्ट वीक आएंगे, सर हम अगले महीने आएंगे, बस वही चलता है। सुबह से शाम तक 100 कॉल्स आएंगे, 100 फोन आएंगे, 100-200 फोन आएंगे, उसमें से जो है 10-15 काम के लिए आएगा, 10-15 काम करेगा, आराम से जो है ज्वाइन होगा। तो फ्रेंड्स, फालतू में कॉल नहीं करें और फालतू में जो अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे, जो जिस बंदे को नीड्स है वही बंदा मुझे कॉल करे। और यूट्यूब चैनल पे जो हम लोग वीडियोस डालते हैं उसको मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोग इसको देखते हैं, काफ़ी लोग 1000-2000 आदमी इसको देखेंगे तो सब्सक्राइब कम होगा, व्यूज़ मतलब जो रहता है ना, कि जो देखते ज़्यादा लोग है, देखते छोड़ देते हैं। फिर भाई, जब आपकी काम की चीज़ नहीं है तो उसको देखा मत कीजिए। और तीसरी बात ये कि फालतू के कमेंट्स अभी तक आने बंद नहीं होते हैं, अपने मन से कोई कुछ बोल देता, कोई कुछ बोल देता, कल परसों किसी एक बंदे ने ऐसे ही जो है कमेंट्स किया था। भाई लोग, आप में से कितने को जॉब लगा है? मैं उस भाई से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जो भाई लोग जो है कमेंट्स करते हैं ना, वो काम नहीं करते हैं, जो काम करते हैं ना वो सीधा अपना डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, टिकट बनाते हैं और काम में जाते हैं, ज्वाइन होते हैं, आते हैं, काम करते हैं और काम पे लगते हैं। काम करने वाले ऐसे कमेंट्स और ऐसे फालतू बकवास नहीं करते हैं, कितने की जॉब लगी है, कितना जो है ज्वाइन हुआ है। मेरे भाई, तुम हमारे लोगों के ऑफिस आ जा, मैं पूरा लिस्ट दूंगा तुमको, उसमें सबको कॉल कर, जहाँ जिस जिसको जॉब्स लगी ना उसको कॉल कर,
कि जो है तुमको कोई जॉब मिला ना, कहाँ पे मिला, फ्री का मिला या पैसा लिया, सब कुछ डिटेल्स मिलेगा तुमको। ये जो यूट्यूब पे तुम लोग फालतू की बकवास कर रहे हो उसको बंद करो। काम करने के इच्छुक हो, काम करना चाहते तो आओ काम करो, फालतू के टाइम पास हम लोगों के पास मत करो, हम लोगों के पास समय नहीं है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो होने वाला है, ये जॉब्स होने वाला है हेल्पर काम के लिए, हेल्पर का वही जॉब्स जो मैं एक हफ्ते पहले आपको जो बता चुका था, वही जॉब्स के बारे में, रिलेटेड के बारे में। उसका लास्ट डेट जो रहेगा 10 तारीख रहेगा, सितंबर 10, आने वाली 10 तारीख कंपनी ने लास्ट डेट दिया है। काम का डिटेल्स मैंने पहले ही आपको बता दिया है लास्ट वीडियो में, फिर भी आपके रेफरेंस में मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ कि फैक्ट्री वर्क है या हेल्पर की ज़रूरत है। फ्रेशर कैंडिडेट्स को पहले लिया जाता है, जो कपड़े में नॉलेज रखता है, जैसे सिलाई का नॉलेज हुआ या धागे में कहीं काम किया हुआ हो, उस कैंडिडेट्स को सबसे पहले लिया जाता है। उसकी सैलरी रहेगी जो है 11,000 से लगाकर 15,000 के बीच में। अब वो सैलरी इसलिए फिक्स नहीं होती है कि उस बंदे को कितना एक्सपीरियंस है, कितने साल उसने काम किया है। वो वहाँ पे मशीन पे बैठता ना, जब मशीन उसका पैर मशीन पे जाता तो ऑटोमेटिक जो है उस इंजीनियर को, उस मास्टर को पता चल जाता है कि बंदा कितना एक्सपीरियंस्ड है। उसके अकॉर्डिंग उसकी सैलरी फिक्स होती है, प्लस उसको रूम की फैसिलिटी मिलती है, प्लस उसको खाने की फैसिलिटी मिलती है। वो सभी फ्री रहता है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। प्लस ओटी की फैसिलिटी मिलती है, ओवर टाइम जो डेली का 1 घंटा 2 घंटा रहता है। अगर आपको 1 घंटा भी ओटी का मान के चले महीने का, तो 26 डेज आपका वर्किंग डेज होता है, तो 2600 रुपये आपका 100 रुपये के हिसाब से ओटी का ही हो जाता है। ओटी का मैं फिक्स नहीं बोल दूंगा मिलेगा ही या नहीं मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा करके ऐसा नहीं है, लेकिन एक बात बताता हूँ आपको कि जो है वो कंपनी जो है 2 घंटा देने का जो बोल रही है कि हम लोग 2 घंटा ओटी देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं बताता हूँ कि चलो आपको 1 भी घंटा मिला ओटी का, तो 2600 रुपये आपका ओटी का हो गया, प्लस 13,000 सैलरी पकड़ के चलिए आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए। 15 भी छोड़ दीजिए, 11 भी छोड़ दीजिए, एक सेंटर की जो सैलरी है मैं बता रहा हूँ, 13,000 प्लस खाना पीना, ठीक है। तो 13,000 प्लस 2600 कितना हो गया, 15,500, 16,000 के लगभग उसकी सैलरी जाती है। प्लस वो जो पैसा रहता है वो सेफ बचता है उसको, क्योंकि खाने पीने की व्यवस्था कंपनी की तरफ से दी जाती है, उसकी फैसिलिटी उसको कंपनी प्रोवाइड करती है। तो 13 से 14,000 आपको बच रहा है महीने का, आपका जो पर्सनल खर्चा है वो आप अपना, इसमें जो कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती। ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए है, और फ्रेशर के लिए 11 से लगाकर 13 की सैलरी रहती है, 11,000 से लगाकर 13,000 के बीच में सैलरी रहती है। अगर वो बंदा फ्रेशर है, उसको कुछ नहीं आता है, और उसने हेल्पर में कहीं पे काम किया है, स्विगी का, जोमेटो का, या फिर पिकर्स पेकर्स का, तो वो बंदा इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, कपड़े का फैक्ट्री का है। फ्रेशर के लिए 11 से 13 सैलरी रहती है, स्टार्टिंग 11 ही मान के चलिए, 11,000 उसको सैलरी मिलती है, प्लस 1 घंटा ओटी का। कंपनी दोनों को जो है 2 घंटा 3 घंटा का बात करती है कि कंपनी जो है 1 घंटा 2 घंटा ओटी मिलता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर 1 घंटा भी जो ओटी का मान के चले तो 2600 रुपये भी उसको आता है, 2600 प्लस 11, 13,500 उसको हो जाता महीने का, 13,500 रुपये 26 दिन का, प्लस उसको रूम की फैसिलिटी प्लस खाने की फैसिलिटी फ्री। तो फ्रेशर के लिए ये स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूँ मैं, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा हर साल कंपनी अपना जो है एक सैलरी इंक्रीज करती है कैंडिडेट्स को। और उस फैक्ट्री में जो है एक दो बंदा नहीं रहता, हजारों बंदे काम करते हैं, और हर ईयरली हर साल हर फैक्ट्री में जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में जो है सैलरी बढ़ती बढ़ती है, 2% या 5% जो भी है उनका क्राइटेरिया रहता है, उसके अकॉर्डिंग जो है कंपनी वाले अपनी सैलरी बढ़ाते हैं कैंडिडेट्स की। तो गाइस फ्रेशर के लिए और एक्सपीरियंस के लिए दोनों के लिए ये कपड़े की फैक्ट्री का, जहाँ कपड़ा बनता है, जहाँ जींस बनता है, टी शर्ट बनता है, कैप वगैरह बनता है, उसके लिए है ये। जो जो बंदा इंटरेस्टेड है वो बंदा कॉल कर सकता है, अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड भेज सकता है। वही बंदा भेजे जो सिर्फ काम करने के इच्छुक हो, जो करना चाहता है काम रियल में, जो जिसको काम की जरूरत है वही बंदा। इसके अलावा मैंने पहले भी इस लास्ट वीडियो में बताया कि अगर आप 10 या 20 आदमी साथ में है तो कंपनी आपको टिकट की व्यवस्था भी करके देती है। ये तो हुआ जेंट्स के लिए, मेल के लिए, लड़के लोगों के लिए, लड़की लोगों के लिए भी सेम फैसिलिटीज है, सेम जो सैलरी रहती है, सेम खाने पीने की व्यवस्था रहती है,
और सेम अगर क्वांटिटी में आप 20 30 40 या 20 लड़की लोग भेजते हैं या फिर बुलाते हैं या मंगवाते हैं तो आपको कंपनी टिकट की व्यवस्था करके देती है। लड़की लोगों के लिए अलग रहने की फैसिलिटी है, अलग हॉस्टल है, और लड़के लोगों का अलग हॉस्टल है, अलग रहने की व्यवस्था है, दोनों का अलग अलग रहने की व्यवस्था है। आ रही है लड़की लोग, लड़का लोग ज्वाइन हो रहा है, जो सीरियस होता है ना वही कॉल्स करता है, ज्वाइन होता है, काम करता है, जो नहीं काम करना चाहता वो फालतू की बकवास करता रहता है, अपना जो है टाइम पास करता रहता है, हम लोगों को भी जो उसके पीछे एंगेज करता रहता है। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी का लास्ट ज्वाइनिंग डेट है 10 तारीख। अगर आप सितंबर के 10 तारीख के बाद आते हैं तो कंपनी आपको नहीं ली जाती है। हाँ, जो पुराने बंदे लोगों ने लड़के लोगों ने टिकट बना रखा है उनका मेरे पास डाटा है, उनका मैं ज्वाइनिंग करवा दूंगा, लेकिन जो 10 तारीख के बाद आते हैं, जैसे 10 तारीख का बाद का टिकट अगर कोई बनाता है तो उसको कंपनी नहीं लेती है, सॉरी फॉर उसके लिए। आने वाले 15 या 20 दिन के बाद कंपनी क्या प्रोसेस करती है, उनको कितने और बंदे की ज़रूरत रहेगी और कितने चाहिए रहेंगे, तो वो मैं नेक्स्ट चाहिए तो आपको नेक्स्ट मंथ में जो है एक वीडियो बना कर डालूंगा, उसमें जो आपको अगेन क्लियरली बताऊंगा कि अभी कंपनी को कितने कैंडिडेट्स की जरूरत नीड है या ज़रूरत है। तो गाइस, ये अगेन जो मैंने 3-4 दिन पहले वीडियो डाला था उसी वीडियो के रिलेटेड ये वीडियो है, सेम है, सेम कंपनी रिक्वायरमेंट रहता है, केरला में रिक्वायरमेंट चल रहा है, नई कपड़ा फैक्ट्री का जो है ओपनिंग में जो है रिक्वायरमेंट थी उसका जो है अभी प्रोसेस चल रहा है। जो जो बंदा टॉप स्टेशन वाले या हिंदी वाले या जो भी है वो बंदा काम करना चाहता है, वो बंदा अपना जो है आधार कार्ड भेजें, प्लस कितने आदमी है वो क्वांटिटी मुझे लिख के भेजें, 3 आदमी 6 आदमी 4 आदमी, और आने के इच्छुक वाले ही बंदे मुझे अपना डॉक्यूमेंट शेयर करें। कॉल करने का टाइमिंग आपको पता ही है, सुबह 10 बजे से लगाकर शाम के 4 बजे तक। जिन्होंने टिकट बना लिया है और जो ट्रेन में ऑलरेडी चल रहे हैं उन बंदों को पता है कि हम लोग उनसे उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, मेरा एक पर्सनल नंबर जो है मैं उनको दे रखा हूँ, जो रात में कभी भी कॉल कर सकते हैं 10 बजे 11 बजे 12 बजे, क्योंकि उनको इमरजेंसी कुछ हो जाता है। तो जब तक बंदा ज्वाइन नहीं होता, जब तक वो फैक्ट्री में काम पे नहीं लगता, तब तक हमारी टीम उसको फॉलोअप लेती है कि बंदा कहाँ पे पहुँचा है, अभी उसको क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो पहुँचा कि नहीं पहुँचा, वो सारा का सारा फॉलोअप हमारी कंपनी लेती है। तो गाइस, केरला में कपड़े का फैक्ट्री का जॉब्स, जो जो बंदा इंटरेस्टेड है वो बंदा मुझे अपना आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट शेयर करें, फालतू की बकवास नहीं करें, करने वाले बंदे कैंडिडेट्स वही मुझे जो है अपना डॉक्यूमेंट शेयर करें। तो गाइस, आपके लिए एक अच्छी जॉब्स की अपडेट और आपके लिए एक और अच्छी नई जॉब्स हम लेके हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।